ताश की गड्डी से तीन पत्ते निकाल लें। अब सभी पत्ते क्या हो, लाल रंग के हो, और सभी पत्ते का है तीन पत्ते, एक पत्ता निकालना हो तो सिंपल कर लेते फ्राई का, लाल रंग के है तो हो जाएगा 28 पत्ता, बहुत सिंपल। लेकिन पत्ते अगर आपको तीन निकालने हैं, दो निकालने हैं, पांच निकालने, ज्यादा पत्ते निकालने होते हैं तो फिर आपके क्या लगेगा, आपके क्रमचय नहीं लगेगा, संचय लगेगा। संचय क्यों लगेगा, कारण क्या है कि अगर आप क्रमचय लगाए बार बार, मतलब आपको बार बार लेना पड़ेगा। ये तो पहले से याद करते हैं, मैंने पहले पता निकाला वो किसका था, माल होगा लाल रंग का था, अब लाल रंग का ईट का पहले था, काल का पहले था, या फिर ईट का पहले था, पान का पहले था, बार बार चांस बने अलग अलग प्रकार के, तो इतने चांस कौन लिखे। इसके लिए शॉर्ट तरीका भी है आपके, देखो नंबर वन सभी पत्ते आपके क्या है, आपके लाल रंग। जब भी आपसे तीन पत्ते पूछे और क्रम नहीं पूछा, मतलब कौन सा पत्ता पहले निकालना ये नहीं पूछा है, तो फिर क्या करेंगे हम, मुझे 52 में से तीन पत्ते निकालने, कितने पत्ते निकालने हैं, 52 में से पत्ते निकालने हैं तीन, और तीनों पत्ते कैसे होने चाहिए, लाल रंग के। लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं, 13 नहीं होते, कितने होते हैं, 28। लाल इसमें अलग चीज है, इसमें हाँ कलर कहते हैं उसको, और वो लाल रंग के होते हैं, वो होते हैं लाल एक अलग है, उसको पान बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, आप कितने 26 में कितने पत्ते निकालने, आपको तीन पत्ते निकालना है, आप तो हल्का ले लो, नहीं तो उत्तर आपकी यही रहेगी। नंबर दो, सभी पत्ते क्या हो आपके ईंट के, पहले बताओ कि कुल पत्ते कितने हैं, 52 में से कितने पत्ते निकालने, तीन, वो कौन से पत्ते हैं, सूत्र क्या है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम दिए है 52 में से तीन निकालना, अनुकूल परिणाम क्या है आपके ईंट पत्ते निकालना, मीडिया कितने होते हैं 13 में से तीन पत्ते निकालने। नंबर तीन, नंबर तीन क्या दे रखा है, सभी राणे, पहले बताओ कि कुल पत्ते कितने हैं, कितने पत्ते निकालने हैं, तीन, राणे कितनी है चार, कितने निकालने हैं तीन, तीन चार राणे से तीन राणे बाहर निकालनी। नंबर चार, कुल पत्ते कितने हैं, 52 में से पत्ते निकालने हैं तीन, अब एक भी इक्का नहीं, तो इक्का नहीं होता क्या हो जाएगा, इक्का कितना होते हैं, इक्के होते कितने हैं चार, नहीं होते कितने होते हैं 48, ये हो जाएगा 48 सी तीन, आप चाहो तो हल भी कर सकते हो ऐसे, 48 × 47 × 46 / 3 / 2 / 1 यह आ जाएगा आपके 52 × 51 × 50 / 3 / 2 / 1 ये कार्ड तो कट जाएंगे, अब ये बच जाएंगे उत्तर, ये भी करते तो कार्ड तो फिर उत्तर आ जाएंगे, वो लिखो तो भी राइट है और ये लिखो तो भी आपके राइट है। अब है आपके पास है दो, प्रश्न नंबर है 17, पास है दो, फेंकने पर 6 आया, अब 6 ना आने की तीसरी बार, ये तो दो बार में, और तीसरी बार में क्या नहीं आया आपके, ये तीसरी बार फेंका और क्या नहीं आया, 6 नहीं आने की, आप चाहो तो 52 भ्रमण करोगे तो उत्तर वही आएगा, और 52 भ्रमण के अलावा एक सिंपल सूत्र भी है कि पासा है चाहे सिक्का है, ये क्या आती स्वतंत्र घटना होती है, दो बार फेंको चाहे 10 बार फेंको, आगे आपके 6 आने या 6 नहीं आने की पूछे, केवल सिंपल ऐसे पूछ ले कि या तो 6 आएगा या तो 6 नहीं आएगा, अब 6 आने की कितनी बताओ, 6 आने की कितनी होती है, 6 आने के ये बड़ा 6 क्या लिखेंगे, ये एक स्वतंत्र घटना है, चाहे उसे कितनी बार फेंको हर बार 6 आने की प्रायिकता 1/6 ही होती है। अब 6 नहीं आने कितनी हो जाएगी, 6 नहीं आने कितनी हो जाएगी आपके, 1 में से गया 1/6 तो कितना हो जाएगा आपके 5/6, या आप चाहो तो 52 भ्रमण से करो तो उत्तर हो जाएगा, कैसे देखो आपने पासा कितनी बार फेंका, 3 बार फेंका, 2 बार पहले फेंक दिया, 3 और फेंक दिया, अब बताओ इसने कहा है कि कितनी बार 6 नहीं आने की, क्या है 0 बार, एक भी बार 6 नहीं आना चाहिए, आर हो गया 0, अब बताओ प्रायिकता होने की कितनी होती है 1/6 और नहीं होने की कितनी होती है आपके 5/6, अब 52 भ्रमण से हल कर लो क्या हो जाएगा आपके, एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर करो तो उत्तर वही आएगा, जो उसकी प्रायिकता है मतलब तो वही होता है, चाहे आप किसी भी सूत्र से कर लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, एन कितना है बोलो 3 में से 0, यहाँ हो जाएगा 1/6 कितनी बार होने की कितनी है आपके, 1/6 कितनी बार है आपके 0 बार, और 5/6 कितनी बार है, एक भी बार 6 नहीं आने की, देखो दो बार तो आपका आया, तीसरी बार भी नहीं है, तीसरी बार नहीं आने का है, तो नहीं आने की पूछी इसने, तो 5/5 बार नहीं आया, होने की तो होती है 3 और नहीं होने की कितनी होती है आपके 0, एक भी बार नहीं आना चाहिए, यानी ये वाली स्थिति आपके नहीं होनी चाहिए, ये स्थिति होनी चाहिए।
सिंपल साइड की नहीं बन अब हो गई ठीक है सिंपल नहीं यानी सिंपल क्या हो गया आपके 5/6 कैसे इस गिली तरह क्या हो गया एक कौन सी घटना है आपके स्वतंत्र घटना है और स्वतंत्र घटना में 30 की बात सब जो भेजने प्रश्न को असर पड़ने वाला नहीं अब ये देखो एक बार कितने फेंकना है आपको छह बार फेंकना है अब 6 बार फेंकने पर देखो तो एन कितना हो गया आपके 6 अब इसने कहा अधिक से अधिक 2 का है अधिक से अधिक 2 मतलब क्या होता है आपके मैंने बताया अधिक से अधिक में नीचे आना है उल्टा मतलब 2 भी हो सकता है एन का मान 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है कम से कम कहें तो 2 से स्टार्ट करना है और एन तक 2, 3, 4, 5, 6 और कहां तक है 6 तक ही है 6 बार आ जाएगा अब बताओ इसने कहा है पासा है पासा बताओ आपके 6 आ गए देखो छक्का लेकिन पैदा का है यही कहना एक पासा कितना 6 बार फेंकना है इसमें 6 बार फेंकने पर देखो आप एन हो गए 6 यानी कि आर हो गए आपके 2, 1 और 0 और प्रायिकता ज्ञात करनी अब कितना ऊपर कितना आने थे छक्का आने की प्रायिकता मतलब 6 आने की प्रायिकता कितनी होती है 1/6 और 6 नहीं आने की कितनी होती है आपके 5/6 जो हमने इसमें ज्ञात किया अब देखो एक तो हो जाएगा आपके एन सी फॉर्मूला क्या है ज्ञात करने का एन सी आर आगे फॉर्मूला क्या है पी आर क्यू एन माइनस आर अब आपको 0 भी लेके ट्राई करना है 1 लेके भी ट्राई करना है और 2 लेके भी ट्राई करना है ये हो जाएगा आपके कितना 6C0 ये हो जाएगा आपके 6C1 6C2 ये हो जाएगा 1/6 कितनी बार 0 बार और 5/6 कितनी बार 6 में 0 गया 6 1/6 कितनी बार 1 बार तो बताओ 5/6 कितनी बार 5 बार फिर 1/6 कितनी बार 2 बार तो बताओ कि 5/6 कितनी बार 4 बार तीन अलग क्या करेंगे तीनों को जोड़ देंगे लास्ट में अब पहले इसका उसका मान क्या होगा 6 जिसके पास 0 उसका मान हमेशा क्या होता है आपके 1 होता है इसका मान भी 1 ही होगा अब इसका मान क्या होगा 5 की घात 6 सीधे कर लो कैलकुलेटर से 5 की घात 6 मतलब 5 6 गुणा करना है ये हो जाएगा 5 की घात 6 का मतलब होता है आपके 15625 5 × 5 × 5 × 5 अब 6 करेंगे तो 36 × 36 × 36 या 6 × 6 × 6 × 6 करेंगे कितना आएगा आपके 46656 अब इसका करो 6C1 का है 1 का 6 ही रहेगा उत्तर फिर यहाँ क्या आ जाएगा आपके 1/6 और यहाँ क्या आएगा आपके 5 × 5 × 5 का है 5 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ये आता है 3125 और ये आता है आपके 6 1 2 3 4 5 और ये रहेगा 6 ये आ जाएगा आपके कितना 5 बार करना ये आ जाएगा 7776 अब देखो 6 को गुणा करेंगे 325 से ये आएगा 18750 बटा यहाँ यही रहेगा कितना 46656 चलो काट लो 6 से ये आएगा प्लस अप लेने में समस्या आएगी जैसे करो सीधे ऐसे कर लो इनको गुणा कर लो 6 से और 6 को ऊपर से गुणा कर लो काटेंगे जरूरत नहीं काटेंगे तो फिर उत्तर आपके थोड़े चेंज आएंगे फिर आपको एलसी में प्रॉब्लम आएगी तो देखो अब यहाँ क्या होगा आपके 6 × 5/2 × 1 इंटू कितना हो जाएगा 1/36 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा आपके 5 4 बार है 1 2 3 4 ये हो जाएगा 625 और 6 का क्या हो 6 1 2 3 और 4 ये हो जाएगा 1296 अब यही काटेंगे ये वाला कितनी बार गया 3 बार अब 15 को गुणा करें किससे 625 से ये आता है 9375 और यहाँ कितना आएगा इन दोनों गुणा करें कितना आएगा वही 46656 अब नीचे तो भाग में आएगा 46656 ऊपर कितना आएगा 15625 प्लस 18750 प्लस 9375 ये आ जाएगा आपके 43750 दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो यहाँ 2 का भाग दोनों 2 का भाग जा रहा है ऊपर 2 का भाग ये तो जाएगा 21875 और इसमें अगर 2 का भाग देंगे ये आ जाएगा आपके 23000 कितना 23328